Good afternoon, ladies and gentlemen. It's Thursday, March 7, and you're watching J News, the latest news sports only here. My name is Kashish. And my name is Umair Oman. In today's news, we are going to cover a very significant topic, that how the ACID victims survived their lives after the attack. Let's talk to such people and know their state of situation. Hi, good afternoon, ma'am. How are you? Fine, thank you. Ma'am, what is your good name? I'm Sonia Khan. तो मैम आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हो इन शिरोज़? मैं शिरोज़ में अभी जस्ट काम नहीं कर रही हूँ, मैं एक स्किल डेवलपमेंट्स यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं रिहैब के, तो मैं उनमें सीख रही हूँ कंप्यूटर और टेलरिंग वगैरह, हैंडीक्राफ्ट, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो मैम क्या हम लोग मीन्स कैन वी नो अबाउट योर जर्नी, मीन्स लाइक बेसिकली आफ्टर द अटैक आपने कैसे स्टैंड लिया और जहाँ तक पहुँचा आपने? जो मेरे ऊपर जब 2009 में मेरे फर्स्ट हस्बैंड जो एक्स हस्बैंड थे उन्होंने अटैक किया, उसके बाद में मेरे मतलब मेरी को संभालना करना सब मेरे प्रेजेंट हस्बैंड जो थे उनकी फैमिली और उन्होंने ही सब कुछ किया। और उसके बाद 2 साल के बाद में जब मुझे मतलब अपने आप को मुझे लगा कि मैं कुछ कर पाऊँगी या कुछ, क्योंकि उससे पहले तो 2 साल से पहले तो मैं खुद को ही शीशे में नहीं देखना चाहती थी। मतलब मोरल इतना डाउन हो गया था मेरा, इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो गई थी कि मेरे को सब यही बोलते थे कि नहीं तुम सुंदर नहीं लगती हो, तुम अब क्या करोगी क्या नहीं करोगी, बस उसी पे। फिर 2 साल के बाद में मैं पहले भी जॉब करती थी, 2 साल के बाद में मुझसे रहा नहीं गया तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे ही जॉब्स करती थी। काफ़ी टाइम हो गया था तो हस्बैंड भी थोड़ा सा मुझे वैसे तो नहीं पर मेंटली मुझे जब बातें बोलते थे ना कि तुम कहीं बाहर के लायक नहीं हो, कहीं कुछ नहीं कर पाओगी, तब मुझे थोड़ा सा हुआ कि नहीं जो भी है वो खुद करना है, किसी और के भरोसे नहीं रहना है। तो यही आजकल की जो लेडीज़ें हैं ना, आजकल की जो वुमेंस हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ठीक है फैमिली भी है पर अपने आप को भी वो अपने लिए भी टाइम निकालें और अपने आप भी कुछ बने, ताकि आपको कल कोई उठ करके ना कह सके कि तुम हमारे बिना कुछ नहीं हो। मैम आपका कोई मैसेज वो उन सारी लेडीज़ को जो ना कि सिर्फ जिन पे एसिड अटैक हुआ है बल्कि इंटरनली बहुत सारे डोमेस्टिक अटैक्स ऐसे दिन ब दिन होते रहते हैं उनके बारे में वो बात नहीं करती बट कुछ कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में एंजाइटी में चली जाती हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? बस उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सब गलत है, ये ठीक है आपके साथ हुआ अटैक, उसमें आपकी तो गलती नहीं थी ना, मेरे साथ अटैक हुआ मेरी तो गलती नहीं थी ना, क्यों आप अपने आप को ऐसे बांध करके रखेंगे? आप अपने आप को जितना आप अपने आप को सोचते रहेंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आती रहेगी। आप उठिए, अपने आप को समेटिए और अपने आप कुछ बनिए, ताकि दूसरा इंसान भी ये देख सके कि मैंने तो इसे चाहा था कि रौन दूँ मगर रौन नहीं पाया। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हाय, गुड आफ्टरनून, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज ममता ठाकुर। आपकी एज क्या है? 17 इयर्स ओल्ड। और आप पे ये मीन्स अटैक किस तरह हुआ, किस एज में हुआ और आप मीन्स स्टैंड आउट कैसे की आफ्टर द अटैक, क्या क्या डिफ़िकल्टीज से आपको सामना करना पड़ा तब फिर आप जाके यहाँ पे शिरोज़ तक पहुँची और अपनी एक न्यू जर्नी बेसिकली स्टार्ट कर रही हैं, तो पूरी उस जर्नी के बारे में बताइए आप हमें। मेरे ऊपर एसिड अटैक 2013 में हुआ था जब मैं 7 साल की थी। एसिड अटैक मेरी मम्मी के ऊपर किया गया था लेकिन मैं अपनी मम्मी के पास में सो रही थी तो इसलिए मेरे ऊपर भी गिर गया। और मतलब जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था मतलब स्कूल जाती थी लेकिन मैं मास्क लगा के जाती थी, लेकिन मैंने अपना स्कूल जाना बंद नहीं किया, रेगुलर मैंने पढ़ाई भी की थी और मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। और मतलब जब मैं था फाउंडेशन से जुड़ी तो मतलब यहाँ हमारी अच्छी लाइफ और पढ़ाई लिखाई सबकी ट्रेनिंग होती है, बेकिंग की और हैंडक्राफ्ट की सब चीज़ की मतलब क्लास होती है और हमको इन्होंने आगे लाइफ में बढ़ाने का अनुभव दिया। हेलो मैम। हेलो, हाय मैम, आई नो योर गुड नेम। गायत्री। ओके, सो व्हाट आर योर रिलेशंस विद दिस शिरोज़ हैंगआउट?
Okay, so my relation with Rose Hangout, I recently joined Chow Foundation from past 1 month, and I am a dance movement therapy practitioner. Okay, so ma'am, do you want to give any message to the female viewers? Yes, so any message would be dance, move and explore, and try to co-create with your co-participants, co-fellows, co-workers, friends, everyone. Okay, thank you ma'am. Thank you. Good name? Nitin. Sir, Anitin sir, so aap yahan pe kab se kaam kar rahe hain? Mujhe 8 saal ho gaye. Sir, aapki post kya hai? Main yahan ka manager hoon. Acha, to sir, like what is your vision and motive opening this Shiroz? Dekhi, jab main aaya tha तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या करना है, और इन लोग देख के तो नया सा था लग रहा था कि मतलब कैसे क्या होगा. बट क्या था ना कि जैसे आप मतलब कोई भी चीज़, जब आप किसी चीज़ को जानते हैं फिर धीरे धीरे उनके साथ रहते हैं, तो उसमें क्या हुआ, मुझे लगा कि मतलब बहुत जगह जॉब की, बट जहाँ पे खुशी फील हो रही थी ना, एक कहते ना कि देखिए जब आप कोई भी काम करते हैं जहाँ पर आपको खुशी महसूस होती है तो आप उसमें दोगुना आप एनर्जी लगाते हैं. तो इसी तरह से 8 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला. और यहाँ पर जैसे कि मतलब आपने देखा होगा कि आप ये सोच रहे हो कि मैनेजर कौन है ना, तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे एक तरीके फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं. थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. And that's all for today's news. This has been Kashi Zia and Umiruman. Thanks for watching J News. News with no bias, news with no exception, delivering nothing but the truth.